तो जी इन चारों गाड़ियों में भाई आज की डेट में मैं तो अभी जो किंग मानता हूँ वो मानता हूँ भाई। तो भाई आपका अगर 16 से 17 लाख तक का बजट है ऑन रोड प्राइस का, ये चार SUV हैं, चारों में इसमें जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि भाई यार कौन सी गाड़ी पे मैं जाऊं। अब बात करते हैं भाई ग्रैंड विटारा को क्यों रिकमेंड नहीं किया, उसकी तो भाई सर्विस भी बहुत अच्छी है, मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर आपको हर एरिया में मिल जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड साइज SUV की। इसमें हम चार गाड़ियां लेने वाले हैं और इन चार गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इन चार गाड़ियों में हम सेलेक्ट करेंगे, पहले गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे कि भाई कौन सी गाड़ी पर आपको जाना चाहिए। जो अगर घर में एक ही गाड़ी रखनी है, टेंशन फ्री कार रखनी है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहे आपको और उसमें आपकी सारी ज़रूरत जो भी है वो सारी फुलफिल हो सके, तो ऐसी गाड़ी आज मैं इसमें रिकमेंड करने वाला हूँ। चार में से केवल एक ही रिकमेंड करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो और मिड साइज SUV में देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी ऐसी है जो आप एक ही गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हो, टेंशन फ्री आराम से उसको चला सकते हो। तो जी वीडियो शुरू करने से पहले सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और आज जो हम बात करने वाले हैं तो इसमें भाई हम चार गाड़ियां जो लेने वाले हैं, एक तो हम ले रहे हैं सबसे पहले होंडा एलिवेट, ग्रैंड विटारा, किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा। ये चार SUV हैं, चारों में इसमें जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि भाई यार कौन सी गाड़ी पर मैं जाऊँ, कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। तो आज इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इनकी कमियां हैं, कौन सी गाड़ी में क्या परेशानियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं वो भी बात करेंगे और आखिर में ये भी बताएंगे भाई कौन सी गाड़ी मैंने क्यों रिकमेंड करी। और एंड में मैं ये भी बताऊंगा भाई इस गाड़ी को क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं आपको, उसका रीजन क्या है पीछे। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले होंडा एलिवेट की। ये एक दमदार गाड़ी है और होंडा की बहुत टाइम के बाद एक ये कुछ नया प्रोडक्ट देखने को मिला था, वरना उसकी ज़्यादातर गाड़ियाँ जो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, सेल बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है होंडा की। तो उन्होंने जो है होंडा एलिवेट लेकर आए और उन्हें लगा कि भाई एक इस सेगमेंट में शायद उनकी ये गाड़ी अच्छी चलेगी। शुरू में ओल्दो अब बड़ी अच्छी सेल करी इस गाड़ी ने, लेकिन धीरे धीरे अब इसकी सेल जो है पिटती जा रही है। अगर इसके इंजन की बात करें तो भाई इसमें भी इंजन बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा केवल एक इसमें, 1.5 लीटर IVTEC DOHC इंजन इसमें आपको मिल जाता है जो 121 PS की पावर निकालता है, 121 PS की पावर देता है और 145 Nm के टॉर्क देता है। माइलेज मैनुअल में जो कंपनी क्लेम करती है 15.31 का क्लेम करती है और जो इसका माइलेज ऑटोमेटिक में है वो है 16.92 का क्लेम करती है। तो बस सबसे ज़्यादा जो मार खाती है ये गाड़ी वो खाती है भाई माइलेज पे आके। सब लोगों को पता है आज की डेट में अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चाहिए माइलेज चाहिए, लेकिन इस गाड़ी में वो माइलेज लोगों को नहीं मिल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो शौकीन होते हैं और जिनको चाहिए प्रीमियमनेस, होंडा पहले से ही जाना जाता है जिसके लिए, तो भाई वो लोग इस गाड़ी को ख़रीदते हैं, लेकिन आज की डेट में इसकी सेल भी काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो चलो खैर गाड़ी अच्छी है नो डाउट, और प्राइस जो इसका स्टार्ट होता है 11.69 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो है फिर 15.41 लाख तक जाता है मैनुअल में। तो ये इसका कुछ प्राइस रेंज है, आराम से आपका 16 से 17 लाख में जो है ऑन रोड गाड़ी अच्छी से ये आ सकती है आपके टॉप एंड तक, अगर मैनुअल पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक में आपका बजट और बढ़ जाएगा। तो ये तो कुछ इस होंडा एलिवेट की डिटेल्स थी, बाकी एंड में अभी बात करेंगे, पहले दूसरी गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं दूसरी गाड़ी की बात करने वाला हूँ भाई, यहाँ पे मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, जिसमें आपको 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी इसमें मिलता है, वो थोड़ा सा रेट जो है उसके ऊपर चले जाते हैं और प्लस इसमें आपको CNG भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये तो इसमें इंजन डिटेल्स हैं। अगर हम स्मार्ट हाइब्रिड के बारे में बात करें तो भाई इसमें 103 PS की आपको पावर मिलती है, 136.8 Nm के टॉर्क मिलते हैं और ये एक ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट में जिसमें क्या एक वेरिएंट आपको ऑल ग्रिप ड्राइव मिलता है, जिसे मतलब 4x4 आप उसको बोल सकते हो। इस गाड़ी का प्राइस जो स्टार्ट होता है 10.99 लाख से, मतलब 11 लाख से आप मान के चलो, और मैक्सिमम जो जाता है 20 लाख तक जाता है इसका CVT जो आपके आते हैं ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ। तो
तो बेस वेरिएंट से काफी अच्छे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, जो इसका सिग्मा वेरिएंट है उसमें काफी अच्छे फीचर्स देती है। और बहुत से लोगों को, मतलब मुझे भी, वो जो है सिग्मा इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है इस प्राइस रेंज के साथ में। तो ये तो भाई थोड़ा इसके ग्रैंड विटारा के बारे में हमने जान लिया। अब अगली की गाड़ी की बात करते हैं, तो ये मैं बात करने वाला हूँ ह्यूंडई की क्रेटा की। ह्यूंडई क्रेटा जिसमें आपको तीन इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.5 लीटर MPI पेट्रोल इंजन मिल जाता है जिसमें 115 PS की पावर मिलती है और 143.8 Nm के टॉर्क मिल जाते हैं। 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आपको मिलेगा। इसके बाद दूसरा इंजन है 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन जिसमें 116 PS की पावर मिलती है और 250 Nm के टॉर्क मिल जाते हैं, और ये भी 6 स्पीड के साथ में ही आता है। इसके बाद लास्ट इंजन है जो 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है जिसमें 7 स्पीड DCT आपको मिलेगा और इसमें जो पावर मिलेगी 160 PS की पावर मिलती है और 253 Nm के टॉर्क मिल जाते हैं। तो ये तीन इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं क्रेटा में। अगर प्राइस की हम बात करें तो भाई इसका बेस वेरिएंट का जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 11 लाख से पेट्रोल के साथ में, और मैक्सिमम जाता है पेट्रोल में इसका जो प्राइस है 17.27 लाख तक, जो इसका MPI इंजन है पेट्रोल में उसके साथ में। अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल में इसका प्राइस स्टार्ट होता है 12.56 लाख से और मैक्सिमम जाता है 18.85 लाख तक। और जो टर्बो GDI पेट्रोल इंजन है ये मिलता है इसके भाई टॉप वेरिएंट बिल्कुल SXO में, जिसमें क्या है 20 लाख इसका प्राइस रखा गया है। बाकी इसके अलग भाई फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, ओल्ड डिस्क ब्रेक इसमें आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं और बाकी इसमें 6 एयरबैग्स आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है, सभी गाड़ियों में मिल रहा है 6 एयरबैग्स। तो बाकी इसका एस और एस ऑप्शनल जो वेरिएंट है वो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है, आराम से आपका 17 लाख तक के बजट में आ जाएगा। तो ये भी मतलब 16 से 17 लाख के बजट में आपको गाड़ी चाहिए तो आराम से आ सकती है मिड वेरिएंट इसके। अब बात करते हैं अगली गाड़ी की। भाई अगली गाड़ी जो चौथी गाड़ी मैंने ली है वो ली है किया सेल्टोस। अगर किया सेल्टोस के हम इंजन की बात करते हैं तो भाई उसमें सेम वही इंजन मिलेंगे जो आपको क्रेटा में मिलेंगे। डिफरेंट है, क्रेटा का जो लुक है वो थोड़ा सा इससे अलग कर दिया गया है। अगर पुरानी क्रेटा से पहले कंपेयर करते थे तो भाई वहाँ पे जो है सेल्टोस ज्यादा अच्छी लगती थी, और अब वाली क्रेटा और सेल्टोस में भी अगर कंपेयर करें तो भाई लुक वाइज सेल्टोस अभी भी कहीं ना कहीं प्लस में है क्रेटा से। तो इंजन ऑप्शन दोनों में आपको सेम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स आपको ज्यादा अच्छे जो मिलते हैं वो किया में मिल जाएंगे, किया सेल्टोस में, क्योंकि उसमें आपको बेस वेरिएंट से काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। फीचर्स के मामले में वो यहाँ पे क्रेटा को जो है फेल करती है। सेल्टोस का जो प्राइस स्टार्ट होता है वो होता है 10.90 लाख से पेट्रोल के साथ में, और मैक्सिमम जाता है इसका 15.30 लाख तक। चार वेरिएंट इसमें केवल आपको आते हैं पेट्रोल के साथ में। और CRDI अगर इसके डीजल इंजन की बात करें तो उसमें 12.35 लाख से स्टार्ट होता है और उसमें मैक्सिमम जाता है 19.65 लाख तक। ये मैनुअल वेरिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें जो TGDI पेट्रोल इंजन आता है उसमें जो आपको प्राइस पहुँचता है 19.73 लाख से स्टार्ट होके मैक्सिमम जाता है 20 लाख तक। तो ये इसमें कुछ आपको जो है तीनों इंजन ऑप्शन में प्राइस मिल जाते हैं। इसमें भी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जो है बेस वेरिएंट से ही मिल रहे हैं, ये चारों गाड़ियों में आपको बेस वेरिएंट से मिल जाएंगे। तो भाई आपका अगर 16 से 17 लाख तक का बजट है ऑन रोड प्राइस का, तो आप आराम से जो इन चारों गाड़ियों में से मैं आपको जो अगर सजेस्ट करूंगा तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आपको ह्यूंडई की क्रेटा। क्यों करूंगा, उसके रीजन है कई सारे। देखो ह्यूंडई क्रेटा एक तो मार्केट में बहुत पुराना प्रोडक्ट हो गया, क्या सेल्टोस से भी पहले से क्रेटा मार्केट में चल रही है। तीन इंजन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, डीजल पे जाने का मन है डीजल में भी जा सकते हो, पेट्रोल पे जाने का मन है पेट्रोल में भी जा सकते हो। ये मैं इसके प्लस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बाद में नेगेटिव पॉइंट भी इसके बता दूंगा आपको। प्राइस भी अगर हम देखें तो ठीक ठाक है भाई, 11 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, और डीजल में आप जाना चाहते हो तो लगभग 12.5 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। फीचर्स भी आपको काफी अच्छे इस गाड़ी में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इस गाड़ी की सर्विस की, तो भाई सर्विस भी इस गाड़ी की जो है आपको काफी अच्छी मिलती है, और प्लस रिसेल वैल्यू भी इस गाड़ी की जो है आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर आपको गाड़ी सेल करनी है 2 साल 4 साल या 5 साल जब भी चला के सेल करना चाह रहे हो, अच्छी रिसेल वैल्यू मिलती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है माइलेज, इसमें अगर आप डीजल पे जा रहे हो तो बहुत ही शानदार माइलेज मिलता है इस गाड़ी में। हाँ, इसमें डीजल इंजन वही मिलेगा जो आपको वेन्यू में डीजल इंजन मिल रहा है, सेम वही इंजन इसमें मिलता है। अगर आपका बजट कम है तो मैं यहाँ पर डीजल के साथ में आपको वेन्यू भी रिकमेंड कर सकता हूँ।
पेट्रोल में भी माइलेज जो है इसका ऑलमोस्ट ठीक ठाक मिल जाता है, 15 के आसपास आप मान के चलो भाई आपको जो है मिल जाएगा हाईवे पे आराम से पेट्रोल में। और डीजल में आप मान के चलो 22 प्लस आपको आराम से मिल जाता है हाईवेज पे। बाकी आफ्टर सेल सर्विस भाई हुंडई की अभी काफी ठीक है और मतलब काफी फैली हुई है, आपको छोटे एरिया में भी अच्छी ठीक ठाक सर्विस आपको मिल जाएगी इसकी कंपेयर टू दूसरी कंपनीज। अब इस गाड़ी का जो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है वो लगता है जी सबसे बड़ी जो कमी है इसमें वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसमें बिल्ड क्वालिटी आपको जो है हल्की मिलती है। अगर ग्लोबल एनकैप की रेटिंग आप इसकी चेक करते हो तो ऑलमोस्ट 2 स्टार ही समझ लो, क्योंकि वो बिल्कुल 0.1 भी कम रह जाता तो ये 2 स्टार लेकर आती। अभी इसको 3 स्टार मिले हुए हैं लेकिन वो बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे बैठी हुई है, थोड़ा सा भी नीचे खिसकी तो 2 स्टार हो जाने थे। तो बिल्ड क्वालिटी एक इसका मेजर इशू है इस गाड़ी में जो आपको फील होता है। लेकिन हम दूसरी चीजों से देखते हैं, पावर देखते हैं इंजन की, या फिर हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं दूसरी चीजों कंपनी के गाड़ियों से या इन चारों गाड़ियों से, तो भाई यहाँ पे मुझे जो है ये फिर भी बेहतर लगती है दूसरी और गाड़ियों से, और सेल में भी ये जो है काफी अच्छी रहती है हमेशा। तो भाई जब से इसका फेसलिफ्ट आया है भाई इसकी सेल बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई है, हमेशा 13,000 के ऊपर ही रही है, मतलब 15,000, 14,000, 15,000, 16,000 ये सेल फिगर इसकी चलती है मंथली यूनिट्स की। तो लोगों ने काफी विश्वास भी जमाया इस गाड़ी पे और काफी टाइम से मार्केट का में है तो लोगों को पसंद तो आनी है ऑब्वियसली। अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या सेल्टोस क्यों नहीं रिकमेंड करी है, तो उसका छोटे मोटे रीजन है। देखो सेम इंजन है, सेम ऑलमोस्ट आपको माइलेज मिलता है, बिल्ड क्वालिटी भी किया सेल्टोस की सेम ही है जैसी क्रेटा की है, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म की गाड़ियां हैं दोनों। तो यहाँ पे जो उसको रिकमेंड ना करने का एक रीजन है वो है भाई वो है सर्विस, क्या कि अभी सर्विस उतनी नहीं फैली है। मतलब आपको ये मान के चलो 50 किलोमीटर के एरिया में एक सर्विस सेंटर है तो आप सोचो वहां पे 2-2 महीने 3-3 महीने की वेटिंग लगी रहती है। जो क्या की गाड़ियां चला रहे हैं और इंटीरियर एरिया में रह रहे हैं उनको ये चीज अच्छे से पता है और वो इस चीज को बताते भी हैं। मैंने बहुत सारे क्या के ओनर्स मिलते हैं तो वो बताते हैं मेट्रो सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेट्रो सिटी में आराम से आपको यहाँ पे भाई क्या की सर्विस अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इंटीरियर में आप जाते हो तो भाई वहां पे सर्विस अभी उतनी स्टेबल नहीं है, उतने ज्यादा सर्विस सेंटर नहीं है उनके पास और एक सर्विस सेंटर पे ओवर वर्कलोड है जिसकी वजह से क्या आपको सर्विस के लिए 2-3 महीने वेट करना पड़ता है। तो वो एक बड़ा रीजन है यहाँ पे क्या सेल्टोस को ना रिकमेंड करने का, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी कुछ भी भाई। और रिसेल वैल्यू भी अभी भाई क्या सेल्टोस की जो है क्रेटा से कम है। सेल्टोस का जब फेसलिफ्ट आया था भाई इसने बड़ी अच्छी सेल करी थी उस टाइम पे, लेकिन अभी स्लाइटली अगर हर महीने की सेल फिगर हम देखते हैं ना तो कम होती जा रही है, हर महीने थोड़ी ना थोड़ी बहुत सेल इसकी कम होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। उसका मेन रीजन है इसके जितने भी कस्टमर थे वो भाई मूव हो गए हैं क्रेटा की तरफ। पहले क्रेटा की सेल कम थी, जब से उसका फेसलिफ्ट आया है उसके बाद उसकी सेल कंटिन्यूसली मतलब सेम ही चल रही है ऑलमोस्ट, और सेल्टोस की डाउन होती जा रही है। अब बात करते हैं भाई ग्रैंड विटारा को क्यों रिकमेंड नहीं किया, उसकी तो भाई सर्विस भी बहुत अच्छी है, मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर आपको हर एरिया में मिल जाएंगे, इवन तो ह्यूंडई से भी ज्यादा अच्छी सर्विस आपको मारुति सुजुकी में मिल जाती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको रिकमेंड क्यों नहीं किया। उसका एक सबसे बड़ा रीजन तो देखो उसकी पावर, जो गाड़ी का साइज है मिड साइज एसयूवी में आपको कम से कम 115-120 पीएस की पावर आपको चाहिए, उसमें आपको 100 पीएस की पावर मिल रही है, मतलब 103 पीएस की, तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं उसमें जो है डाउन लगती है। मारुति सुजुकी वालों का क्या है, एक ही इंजन उन्होंने 10-12 गाड़ियों में डाल रखा है, उस इंजन के साथ में मुझे ब्रेजा अच्छी लगती है, ब्रेजा बेस्ट लगती है, लेकिन ग्रैंड विटारा को मैं उस इंजन के साथ में बेस्ट नहीं बोल सकता हूँ, चाहे सर्विस अच्छी है चाहे कितनी अच्छी गाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ फील होगी क्योंकि साइज गाड़ी का बढ़ गया है और पावर आपने सेम वही दे रखी है, सेम वही इंजन दे रखा है, वो इंजन इन्होंने जिमनी के अंदर भी डाल रखा है, तो हालत देख रहे हो आप जिमनी की सेल क्या हो रही है, 200-250 यूनिट बड़ी मुश्किल से सेल हो रही है मंथली जिमनी की आज की डेट में, जबकि कितनी हाइप बनी हुई थी उस गाड़ी की। तो कहीं ना कहीं एक इंजन का भी फर्क पड़ता है भाई, हर इंजन हर सेगमेंट में हर गाड़ी में आप नहीं दे सकते, ये चीज मारुति सुजुकी को सोचनी पड़ेगी। तो ये मिड साइज एसयूवी में एटलीस्ट उनको इस इंजन के साथ में भी पावर इसकी एटलीस्ट उन्हें इंक्रीज करनी चाहिए, चाहे उस पर टर्बो देना शुरू करें या कुछ और उनको करना चाहिए। इस पावर के साथ में ग्रैंड विटारा यहाँ पे मुझे जो है बिल्कुल कंप्लीट नहीं लगती है इस सेगमेंट में। और सेल की भी बात करें तो भाई ग्रैंड विटारा की सेल भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है,
बीच में 2 या 3 महीने बहुत अच्छी सेल हो गई थी जिसमें 10 के ऊपर गई थी यूनिट्स, लेकिन फिर से वो स्लाइटली वहीं पे डाउन हो गई है, वहीं पे आ गई है जहां पे क्या वो सेल कर रही थी। अब ग्रैंड विटारा एक ऐसी गाड़ी है जिसमें क्या आपको ऑल ग्रिप्स मिलती हैं, है ना, लेकिन पावर उसमें कम है। और दूसरी चीज, जिस प्राइस रेंज में वो ऑल ग्रिप ड्राइव दे रहे हैं उस प्राइस रेंज में भाई आपको 4x4 में और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। स्कॉर्पियो एन आपकी आ जाएगी उस प्राइस रेंज में 17 लाख के आसपास, उसका जो है उन्होंने प्राइस रखा है एक्स शोरूम प्राइस। ऑन रोड जाते जाते आप 19 के आसपास मान के चलो, तो भाई वहां पे 19 लाख के आसपास कोई खर्च करेगा तो वो स्कॉर्पियो एन पे जाएगा। 7 सीटर भी मिल रही है और पावरफुल इंजन मिल रहा है उसको। अगर पेट्रोल पे जाना होगा तो पेट्रोल भी उसमें ऑप्शन अवेलेबल है, डीजल भी अवेलेबल है। अब जी चौथी गाड़ी की बात करते हैं, होंडा एलिवेट। होंडा एलिवेट बिल्ड क्वालिटी में अच्छी है। होंडा एलिवेट में आपको जो है जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम मिलता है, लेकिन बहुत सारे फीचर्स जो है उससे भी कट किए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आपको भाई नहीं मिलती हैं, टॉप एरेंट में भी जाने के बाद नहीं मिलती हैं। ऑल्दो इंजन उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल है पेट्रोल के साथ में अगर हम देखते हैं तो, इन तीनों गाड़ियों में 121 PS की पावर निकालता है, लेकिन कहीं ना कहीं माइलेज उसका जो है वो काफ़ी कम है। 15 का कंपनी क्लेम कर रही है 15.31 का, तो आप ऑन रोड आप देख सकते हो भाई आपको 12-13 का ही मिलेगा बड़ी मुश्किल से, वो भी हाईवे पे मिल सकता है, और सिटी में तो आप सोच सकते हो 10 के आसपास ही मिलेगा। तो एक वो बड़ा रीजन है जो होंडा एलिवेट के साथ में ड्रॉबैक है, वो आप इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, जो माइलेज। और यही रीजन है कि होंडा एलिवेट की भी सेल जो है भाई डे बाई डे जो है कम होती जा रही है। आप देख सकते हो शुरू में आके उसने ठीक ठाक यूनिट सेल करी थी, मतलब 4-4.5 हज़ार के आसपास यूनिट उसकी शुरू में सेल हो रही थी। उस टाइम पे होंडा की कोई सी गाड़ी की भी इतनी यूनिट सेल नहीं हो रही थी, लेकिन अब स्लाइटली वो भी वहीं आ गई है जहाँ पे क्या भाई दूसरी गाड़ियाँ थी। जैसे क्या अगर हम बात कर ले उसकी होंडा सिटी की, तो उसकी सेल बहुत डाउन है। अब इसकी भी जो है लास्ट मंथ अगर सेल देखते हैं तो 1700+ यूनिट सेल हुई है बस। तो कहीं ना कहीं डे बाई डे इसकी यूनिट भी जो है डाउन होती जा रही है, और उसका रीजन यही है कि भाई लोगों को माइलेज भी चाहिए गाड़ी के साथ साथ में, तो माइलेज उनको वो नहीं मिल रहा है। एक इंजन ऑप्शन उसमें आपको मिल रहा है, दूसरी गाड़ियों में आपको और कई सारे इंजन ऑप्शन मिल रहे हैं, डीजल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है, पेट्रोल में 2-2 इंजन मिल रहे हैं। अगर ग्रैंड विटारा की बात करूँ तो भाई CNG भी मिल रहा है। तो जी इन चारों गाड़ियों में भाई आज की डेट में मैं तो अभी जो किंग मानता हूँ वो मानता हूँ भाई हुंडई क्रेटा को। और आप भी कमेंट करके बताना आप मानते हो कि नहीं मानते हो, इस बात से कितने सहमत हो कि नहीं हो। जो अगर आप सारे ओवरऑल गाड़ियों को सारी चीज़ें चेक करो तो भाई यहाँ पे हुंडई क्रेटा एक मुझे ऐसी गाड़ी लगती है जो आप आराम से रख सकते हो, टेंशन फ्री रख सकते हो। सेफ्टी का एक जो है इशू है उसमें, और वो उसमें नहीं इन सारी गाड़ियों में मिल जाता है ऑलमोस्ट। अगर हम इन तीनों गाड़ियों में कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा एलिवेट में अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ पर जो है आपको माइलेज नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। तो यहाँ पर जो है क्रेटा मुझे ऐसी लगी कि भाई जिसमें आपको जाना चाहिए, एक रिलायबल गाड़ी है, इंजन रिलायबल है और आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। इस सेगमेंट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ठीक ठाक माइलेज आपको उसमें मिल जाता है। बाकी स्पेसियस गाड़ी है, आप अगर गाड़ी का बूट वगैरह कुछ भी चेक करो तो बहुत स्पेस आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो भाई ये गाड़ी मुझे जो है यहाँ पे लगती है भाई किंग इस सेगमेंट की, इन चारों गाड़ियों में। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना भाई आपका क्या व्यू है इस बारे में, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है यार, अब करो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यार सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइब मतलब लोग बहुत देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है उसमें से केवल 5 या 6% करते हैं बस। तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।